दोस्तों, चाहे आपके पास कोई भी मैन्युफैक्चरर का मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंजन। एंड इंजन में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है स्पार्क प्लग। है तो ये एक छोटा सा पार्ट, लेकिन इसके बिना आप मोटरसाइकिल को रन नहीं कर पाओगे। स्पार्क प्लग कैसे काम करता है एंड कैसे आप स्पार्क प्लग को क्लीन करके मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। दोस्तों, स्पार्क प्लग में होता है स्पार्किंग और स्पार्क प्लग का फंक्शनिंग टेम्परेचर होता है 500 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस। एंड कॉम्बस्टन चेंबर में स्पार्किंग यानी कि चिंगारी से पेट्रोल एंड एयर मिक्सचर होता है बर्न और रिलीज होता है गैस और कार्बन पार्टिकल्स। इससे पिस्टन अप एंड डाउन होता है। अभी फिजिक्स का ये बेसिक डायग्राम आप अगर देखते हो, देन अप एंड डाउन ये प्रोसेस से हमें मिलता है एक रोटेशन। फाइनली ये सारे रोटेशन को कंट्रोल किया जाता है एक्सीलरेशन एंड क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट की मदद से। एंड मोटरसाइकिल की व्हील होता है रन। दोस्तों, ये तो था स्पार्क प्लग का बेसिक वर्किंग फंक्शन। अभी देख लेते हैं स्पार्क प्लग को कितने इंटरवल में हमें क्लीन करना होता है। दोस्तों, स्पार्क प्लग मोटरसाइकिल सर्विस के टाइम हर बार क्लीन करना जरूरी होता है और मैनुअल बुक में दिया हुआ इंटरवल में रिप्लेस करना भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कार्बन पार्टिकल्स को अगर आप स्पार्क प्लग से नहीं निकालोगे, देन लॉन्ग टाइम पीरियड में ज़्यादा कार्बन पार्टिकल्स स्टोर होने से इंजन में पेट्रोल तो होगा बट प्रॉपर स्पार्किंग यानी कि चिंगारी नहीं मिलेगा, तो पेट्रोल बर्न नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में आप अच्छा माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं एंड ज़्यादा कार्बन पार्टिकल जमा होने से मिस फायर होने का चांसेस रह जाता है एंड धीरे धीरे इंजन का परफॉर्मेंस होता है कम। इसीलिए स्पार्क प्लग एक छोटा सा कॉम्पोनेंट होता है इंजन में, लेकिन प्ले करता है एक एसेंशियल रोल। दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for tuning YouTube and it.